यादों में शिंजो आबे। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का राजकीय अंतिम संस्कार हो रहा है। पीएम मोदी बुडोकन में शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार समारोह में इस वक्त मौजूद हैं, जहां ये गमगीन तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। 20 से ज्यादा राष्ट्र अध्यक्षों और शासनाध्यक्षों सहित 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि भी शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में इस वक्त मौजूद हैं। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से मुलाकात भी कर चुके हैं। शिंजो आबे की पत्नी से भी पीएम मोदी मुलाकात करेंगे। सांत्वना पीएम मोदी के जरिए उन्हें इस मुलाकात के जरिए दी जाएगी। थोड़ी देर पहले जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से मुलाकात यहां पर हुई। पीएम मोदी ने कहा कि इस दुख की घड़ी में आज हम मिल रहे हैं। पिछली बार जब मैं आया तब शिंजो आबे से काफी लंबी बात हुई थी और कभी सोचा नहीं था कि जाने के बाद ऐसी खबर यहां से सुनने को मिलेगी, ऐसी भी नौबत यहां पर सामने आएगी। देखिए, जापान और भारत की दोस्ती में जो मिसाल कायम की वो शिंजो आबे के कार्यकाल के दौरान हुई, जब वो प्रधानमंत्री पद पर रहे और सबसे ज्यादा दौरा उन्होंने भारत का किया। आप जब भी उन तस्वीरों को देखेंगे तो पाएंगे कि जब भी उन्होंने हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। दोनों दिग्गज नेता एक दूसरे से जब मिलते थे गले मिला करते थे, प्रिय मित्र कहकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें कहा करते थे। पीएम मोदी ने उनके निधन की खबर सुनने के बाद जिस तरह से शब्दों में अपना दुख बयां किया था वो वाकई उस दर्द को बता रहा था कि हमने सिर्फ उस महान राजनीतिज्ञ को, उस महान नेता को नहीं खोया है, किसी जनप्रतिनिधि को महज नहीं खोया है वैश्विक तौर पर, बल्कि हिंदुस्तान ने अपना एक सबसे करीबी मित्र, सबसे खास दोस्त शिंजो आबे के तौर पर हमेशा के लिए खो दिया। हालांकि जब उनकी सेहत खराब हुई थी और उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके स्वस्थ होने की कामना की थी और अपने दुख को जाहिर किया था। और आज भी पीएम मोदी उसी गम में नजर आ रहे हैं। शिंजो आबे बीते 8 जुलाई को जिस तरह से उन पर हमला हुआ, न सिर्फ जापान बल्कि पूरी दुनिया सन रह गई। एक पल के लिए किसी को यकीन नहीं हुआ कि क्या कोई इस तरह से शिंजो आबे पर हमला भी कर सकता है, जिसका अंदाजा खुद दूर दूर तक किसी को नहीं था। और आज गमगीन करती ये तस्वीरें, क्योंकि राजकीय अंतिम संस्कार के जरिए उन्हें अंतिम विदाई यहां पर दी जा रही है। याद होगा आपको, जब पीएम मोदी बतौर सीएम गुजरात की कमान को संभाले हुए थे, उस दौरान शिंजो आबे जब वहां पहुंचे, दोनों की दोस्ती का सफर वहीं से शुरू हुआ। पहली बार एक औपचारिक मुलाकात के तौर पर, लेकिन उसके बाद जब भी तस्वीर सामने आई, जब भी पीएम मोदी जापान गए, टोक्यो में जिस तरह से पीएम मोदी का स्वागत शिंजो आबे ने किया था, वो तस्वीरें भी आज हर किसी की आंखों के सामने है। और जब वो वाराणसी आए थे तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें गंगा आरती में शामिल होने के लिए कहा और भारतीय परंपरा रीति रिवाजों के करीब वो खुद को माना भी करते थे। उनकी आंख बंद करते हुए प्रार्थना जो गंगा आरती के सामने तस्वीर के तौर पर आई थी, सभी भारतीयों ने उसे बहुत सराहा था। बहुत करीब वो भारतीय परंपरा और संस्कृति के उस दौरान नजर आ रहे थे। जानते थे कि हिंदुस्तान की परंपरा, उसकी संस्कृति की क्या महत्ता है। और जब बात वाराणसी की गंगा आरती की होती है, वो सब जानते थे। यही वजह थी कि हिंदुस्तान और जापान की दोस्ती का एक बहुत प्रमुख सूत्रधार हम उन्हें हमेशा कहते रहेंगे। न सिर्फ आर्थिक तौर पर उन्होंने जापान को आगे बढ़ाया, साल 2006 से उन्होंने ये सत्ता संभाली थी, एक युवा नेता के तौर पर वो उभरे थे, लेकिन जिस तरह से अपने कंधों पर जापान को लेकर वो चले, कई ऐसी नीतियां जो आर्थिक मोर्चों पर मिसाल कायम कर गईं, जापान की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे और मजबूत किया, पड़ोसी देशों के साथ भी वो दोस्ती निभाया करते थे। और कुछ मुद्दे ऐसे भी थे जिस पर शिंजो आबे बहुत कड़ा रुख भी अख्तियार करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि किस तरह से जापान को आगे ले जाना है। लेकिन इस बीच हिंदुस्तान से उनकी दोस्ती हमेशा एक मिसाल के तौर पर याद की जाती रहेगी। प्याले में चाय की वो चुस्कियां भी हिंदुस्तान हमेशा याद करता रहेगा। खुद पीएम मोदी ने उनके निधन पर कहा कि किस तरह से वो न सिर्फ मेरे दोस्त थे बल्कि हिंदुस्तान के भी विश्वसनीय मित्र थे, प्रिय मित्र उन्हें माना करते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उनको जैसे ही ये बात पता चली कि किस तरह से शिंजो आबे पर हमलावर ने हमला किया, उसके बाद फौरन उनका ट्वीट भी सामने आया था। वो दर्द उनका उस ट्वीट के जरिए दिखाई दिया था।
जब टोक्यो पीएम मोदी पहुंचे तब बेहद गर्म जोशी के साथ उस खुशी के साथ स्वागत किया। कई बार प्रोटोकॉल तोड़कर भी दोनों दिग्गज एक दूसरे के साथ ये रिश्ता निभाते हुए नजर आए, जो ये बताता था तस्वीरों के जरिए कि किस तरह से भारत ने अपना एक दोस्त खो दिया। पीएम मोदी उन्हें हमेशा अपने प्रिय मित्रों में सबसे पहले रखा करते थे और यही वजह है कि आज हिंदुस्तान भी गमगीन है। एक सदमे के तौर पर बीते 8 जुलाई की वो तस्वीर हमेशा सामने आ जाती है। 2006 से जिस तरह से दो बार प्रधानमंत्री बने, लंबे वक्त तक उन्होंने जापान की कमान यहां पर संभाली, भारत आए, जब भी आए आप देखेंगे, जब उन तस्वीरों को देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिंजो आबे जिस तरह से गले मिला करते थे, एक मुस्कुराहट आपको जब दिखाई देगी तो वो महज फॉर्मेलिटी के तौर पर या फिर औपचारिक तौर पर आपको दिखाई नहीं देगी, उसमें कोई राजनीतिक मुहर दिखाई नहीं देगी, बल्कि जब भी उन्होंने हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखा ऐसा लगा जैसे बहुत पुराना नाता है। और खुद पीएम मोदी ने इस रिश्ते को कहा कि हमारा सालों पुराना ये दोस्ती का रिश्ता रहा, सालों पुराना ये नाता रहा जो वक्त के साथ मजबूत होता चला गया। इसलिए आज पूरी दुनिया, हिंदुस्तान यही कह रहा है, यादों में है शिंजो आबे, जिनके राजकीय अंतिम संस्कार की ये तस्वीरें इसलिए भी खास हो जाती हैं क्योंकि हिंदुस्तान ने अपना एक सबसे खास, अपना एक प्रिय मित्र यहाँ पर खोया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं कि वैश्विक तौर पर जिस तरह से स्थितियां बनी हुई हैं, ऐसे में अपने सबसे खास एक ऐसे मित्र के साथ जिसके साथ एक लंबा सफर तय किया है, और कहा भी जाता है कि जब दोनों दिग्गज मिला करते थे तब बातें सिर्फ राजनीतिक तौर पर नहीं होती थी, दो दोस्त जिस तरह से मिला करते थे, जिस तरह की बातें उनके बीच हुआ करती थी, वो उसका सबसे खास हिस्सा रहा, क्योंकि मुस्कुराहटों से पता चल जाता था कि किस तरह से शिंजो आबे और पीएम मोदी एक दूसरे के बेहद करीब यहाँ पर रहे। दोस्ती का वो रिश्ता पूरी दुनिया ने यहाँ पर वक्त वक्त पर देखा है। शिंजो आबे का सबसे ज्यादा दौरा हिंदुस्तान में रहा, अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने जिस तरह से यहाँ पर अपनी भूमिका निभाई। पीएम मोदी ने शिंजो आबे के निधन पर ट्वीट भी किया, कहा भी कि आज का दिन मेरे लिए अपूर्णीय क्षति और असहनीय पीड़ा का दिन है। मेरे घनिष्ठ मित्र और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे अब हमारे बीच नहीं रहे। ये पीएम मोदी का ट्वीट उस वक्त सामने आ गया था, ये उनके शब्द उस वक्त सामने आ गए थे जब उन्हें इस बात की पुख्ता जानकारी मिल गई कि शिंजो आबे अब उनके बीच नहीं रहे। आबे मेरे तो साथी थे ही, वो भारत के भी उतने ही विश्वसनीय दोस्त थे। मैं अपने दोस्त को अंतिम विदाई देता हूँ। 26 सितंबर 2006 जो पहली बार जापान के प्रधानमंत्री के तौर पर शिंजो आबे को न सिर्फ जापान, पूरी दुनिया ने देखा, तब कई सवाल कहते हैं उस दौरान खड़े हुए। जब आप इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक इतना युवा चेहरा क्या इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाकर ले चल पड़ेगा, हिंदुस्तान के साथ उसका रुख क्या रहेगा, दोस्ती की उस परिभाषा को वो किस तरह से जमीनी स्तर पर उतारते हुए उस किरदार को पहनाएंगे। लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान के लिए जो अपनी प्रतिक्रियाएं दी, हिंदुस्तान के प्रति जो जिम्मेदारी निभाई, यही वजह है कि आज वो रिश्ता उस ऊंचाई पर पहुंचा। हालांकि आबे 2012 में दूसरी बार प्रधानमंत्री भी बने, पर 2020 में उन्होंने ये कहते हुए पीएम पद से इस्तीफा दे दिया था कि एक पुरानी बीमारी जो है वो फिर से उभर आई है, सेहत का हवाला उनके जरिए दिया गया था। और उसके बाद भी पीएम मोदी को काफी दुख लगा था कि शिंजो आबे की सेहत ठीक नहीं है। बतौर प्रधानमंत्री जो भूमिका यहाँ पर जापान को लेकर शिंजो आबे ने निभाई है, हालांकि मुलाकात को लेकर वो हमेशा से इस बात को लेकर संतुष्ट थे कि जब भी जापान को उनका दौरा होगा या मोदी हमेशा उनसे मिलेंगे, क्योंकि एक राजनीति के तौर पर ही नहीं बल्कि एक दोस्त के तौर पर भी पीएम मोदी और शिंजो आबे का ये रिश्ता पूरी दुनिया के सामने था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी था। और खासतौर से तब ये रिश्ता और ज्यादा हर हिंदुस्तानी ने अपने दिल के करीब महसूस किया जब काशी में गंगा के सामने शिंजो आबे ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, उन रीति रिवाजों में, उन परंपराओं में शामिल हुए जो कि भारतीय परंपरा की जड़ कही जाती है, गंगा आरती में शामिल हुए। विशेष भाव यहाँ पर उनके चेहरों के जरिए झलक रहा था, उस चेहरे के हाव भाव को आज भी हर हिंदुस्तानी याद करता है तो पाता है जैसे वो हमारे ही बीच में पले बढ़े, क्योंकि प्रधानमंत्री रहते हुए वो भारत जब आए थे तब वाराणसी भी गए थे और उस दौरान का जिक्र इस वक्त हम आपके सामने कर रहे हैं। हालांकि जब पीएम मोदी जापान गए तो
तो शिंजो आबे ने उन्हें अपनी सांस्कृतिक नगरी भी घुमाई, टोक्यो की स्पेशल चाय भी पिलाई थी। वो तस्वीरें भी उस दौरान सामने आई थी जब स्पेशल चाय का मजा लेते हुए दोनों ही दिग्गज नजर आए थे। फिर उसके बाद वो पीएम मोदी को खुद अपने घर भी ले गए। और देखिए, आज वही सारी यादें जो हैं सभी की आंखों के सामने है, और खासतौर से पीएम मोदी के सामने, तो इसलिए भी क्योंकि उन्होंने उस लंबे सफर को शिंजो आबे के साथ जिया है, उस लंबे सफर को शिंजो आबे के साथ महसूस किया है, जिसमें उन्होंने कई गंभीर मुद्दों पर वार्ता भी की है, तो कई ऐसे विषय भी रहे जिनमें दोनों ही दिग्गज ठहाके मारकर हंसते हुए भी नजर आए। जब भी मुलाकात हुई, आप मुलाकात से जुड़ी कभी भी कोई तस्वीर अगर देखेंगे भी, अगर उसे तलाशेंगे भी, सोशल मीडिया पर भी तलाशेंगे, तो आप पाएंगे कि दोनों दिग्गजों के चेहरे पर क्या मुस्कुराहट रहती थी। वो गर्मजोशी से भरी मुलाकात, जहां पर कई बार प्रोटोकॉल भी दूर दूर तक नजर नहीं आता था, लेकिन जब भी मिलते थे तो चेहरे पर उस हंसी के साथ, उस भाव के साथ मिलते थे मानो दो दोस्त मिल रहे हों। और यही वजह है कि आज पीएम मोदी के सामने ये सारी तस्वीरें एक एक करके फिर से उभर रही होंगी। काशी में गंगा आरती जिसका जिक्र कर रहे थे 2015, और उसके बाद अहमदाबाद में भी जो रोड शो हुआ था, जब भी आए भारत में, भारत की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक धरोहरों को उन्होंने करीब से देखा, उसमें उनकी दिलचस्पी भी साफ साफ दिखाई देती रही। पीएम मोदी का उन्हें समझाना, उन्हें भारतीय परंपराओं, संस्कृति से जुड़ी छवि को दिखाना, वो आज खुद एक आंखों में उभरता हुआ पीएम मोदी के हावभाव से भी यहां पर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जब कोई अपना करीबी मित्र खोता है तो किस तरह से हम राजनीतिक स्तर पर इसे अलग हटकर इसलिए देख रहे हैं, क्योंकि शिंजो आबे के साथ जो दोस्ती यहां पर हिंदुस्तान की रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रही, जब वो गुजरात के सीएम थे, जब उनसे पहली बार मुलाकात यहां पर आबे की हुई थी, तभी ये मालूम चल गया था कि ये दोस्ती लंबी चलने वाली है, ये सफर जो है इतनी आसानी से नहीं थमेगा, लेकिन वो सफर मजबूत होता चला गया। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए ट्वीट भी किया था, पूर्व प्रधानमंत्री के सम्मान में उन्होंने एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की थी। उनके निधन पर दुख जाहिर करते हुए पीएम मोदी ने आबे से आखिरी मुलाकात को याद किया था। उन्होंने कहा था कि पूरा भारत आज जापान के साथ इस शोक की घड़ी में शामिल है, और इस मुश्किल घड़ी में हम अपने जापानी भाई बहनों के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि मित्र आबे के साथ मेरा नाता कई साल पुराना है। देखिए, इन शब्दों के आप मायने समझिए। आज जो हाव भाव इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे से साफ झलक रहे हैं, वो ये बताने के लिए काफी है कि वो सिर्फ अपना राजनीति के तौर पर मित्र नहीं मानते थे, वो उन्हें मित्र मानते थे। मित्र आबे के साथ कई साल पुराना नाता। そしてアジア地域